प्राचीन शिव मंदिर श्री चंद्रेश्वर विद्यापीठ संन्यास आश्रम मोहल्ला बाग बाहरिया पुरानी कपूरथला रोड जालंधर में चल रहे 5 दिवसीय 49वें विराट वेदांत सम्मेलन के दूसरे दिन की शुरुआत ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी निरंजनानंद गिरिजी महाराज के कृपा पात्र परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरिजी महाराज की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी आनंद चेतन सरस्वती महाराज हरिद्वार वाले, परमाध्यक्ष श्री 1008 महंत गंगादास जी महाराज, महामंडलेश्वर महंत केशव दास, महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी जी महाराज, स्वामी दिव्यानंद महाराज, स्वामी नित्यानंद महाराज, स्वामी मंगलमूर्ति महाराज, आचार्य स्वामी ऋषिराज महाराज, स्वामी देवेंद्रानंद महाराज, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरिजी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से सभी को कृतार्थ किया। इस मौके पर असंख्य भक्त जन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। शूद्र आदि शूद्र की धर्म है, ये जब अपने स्वधर्म को पालन करते हैं तो हमारे अंतकर्म शुद्धि में वह सहायक होते हैं। इसी प्रकार आश्रम धर्म में ब्रह्मचर्य आश्रम है, जिस प्रकार वेदाध्ययन करना, गुरु शुश्रूषा आदि करना, गृहस्थ आश्रम है वहां पर हमारे यज्ञ दान तर्पण आदि की तरह जो हमारे वंशक यज्ञ बोलते हैं पुष्कर्म आदि करना, फिर जो भी अतिथि अभ्यागत आते हैं उनका सत्कार आदि करना, जो भी है हमारे पंच यज्ञ में ये सब आ जाते हैं, उसका पालन करना और गृहस्थ धर्म का निर्वाह करना, ये उसका धर्म है। इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में उसका धर्म है कपट तप आदि आचरण करना, संन्यास आश्रम में धर्म है ज्ञान आदि विज्ञान का पालन करना। तो इसी प्रकार ये जो आश्रम धर्म और वर्ण धर्म है इसको अवश्य पालन करना चाहिए, अन्यथा हम कभी भी अपने अंदर मन में और विचारों में जो हमारे बहुत प्रकार के दोष आ गए हैं उस दोष को हम निर्मल नहीं बना सकते। आज प्राचीन श्री मंदिर श्री चंद्रेश्वर विद्यापीठ संन्यास आश्रम में 49वां विराट वेदांत सम्मेलन जो कल 6 तारीख को प्रारंभ हुआ था और आज दूसरे दिन की द्वितीय सभा और हमारे मध्य में हमारे बहुत ही आदरणीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी आनंद चेतन सरस्वती जी महाराज जो हरिद्वार से पधारे हैं, कर्तव्य ध्वनि के द्वारा महाराज जी का हम स्वागत करेंगे। भज गोविंद गोविंद कि ये जो दिख रहा है आपको गंगा का जल, ये पता नहीं कहां पहुंचा है। इशारा था कि ये जो अभी दिखाई दे रहा है आपको बैठे हुए हम दिख रहे हैं, ये तो पता नहीं कहां पहुंचा। और दूसरी बात जो इन्होंने मन के प्रति चली है, अब ये बताओ आपको मन आपका मित्र है जो यहां लाया है कि दुश्मन है? मन मित्र है तो सभी यहां लाया है, मन दुश्मन होता बहुत है लोग घरों में बैठे हैं, वो उनका इस सत्संग के प्रति मन लगता नहीं है।